चलो अगर कभी हुआ इतना ज्यादा आपको मिला तो आप अपना लाइफस्टाइल सिंपल रखोगी लाइक रतन टाटा या मुकेश अंबानी? नहीं, अंबानी मुकेश अंबानी जैसा। मुकेश अंबानी की ग्रैंड फैमिली है और आपने वो सर रतन टाटा की स्टोरी नहीं देखी, उन्होंने तो शादी भी नहीं की। हाँ, ये भी पॉइंट आ सकता है, अगर वो शादी करते एक होता साइकोलॉजी, अगर वो शादी करती तो उनकी बीवी भी ये सब मांगती और वो भी कहती कि बड़ा खर्चा है ये बच्चों को। वो तो सिंगल है ना, उसको किस तरह का लाइफस्टाइल, सिंपल या बिल्कुल लग्जरियस? मुझे सर रतन टाटा वाला सिंपल। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ है और मैं हूं फैसल हरल और ईशा तारी। मुझे भूलो भूलो मुझे अलीसा। आपको कैसे भूल सकते हैं, अगर हम भूल भी गए तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर याद कर लिया जाएगा। मैं हूं अलीसा। अच्छा, हमने बहुत ज्यादा बात की थी मुकेश अंबानी की भी, हमने बहुत ज्यादा बात की हुई है रतन टाटा की भी, हमने अलग से सेपरेटली हमने बहुत ज्यादा बात की हुई, बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है और हमने एक कंपैरिजन किया था मुकेश अंबानी का शेख के साथ, शेख के जो हम दोनों ने कंपैरिजन हाँ। किया था और मैंने और ईशा ने एक वीडियो देखी थी उनकी वाइफ की, नीता अंबानी की वाली की, और वो वीडियो बहुत पसंद किया लोगों ने, बहुत पसंद की गई है वो वीडियो। लेकिन आज भाई कंपैरिजन हो रहा है मुकेश अंबानी और साथ में ये भी कहा जा रहा था कि हमें एक दो की ओपिनियन के साथ साथ पूरी सबकी ओपिनियन चाहिए। हाँ जी, तो ऐसी वीडियो पे जो है आप सब बात करें, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें तो हम फिर सब इकट्ठे होंगे। लेकिन अब मुझे बताएंगे जो भी कमेंट्स में कि उनको मुकेश अंबानी ज्यादा पसंद है या रतन टाटा ज्यादा पसंद है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के और दोनों की ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है अवाम के अंदर। अब अवाम के लिए मुझे जो फील हो रहा है ना, मेरा अंदर जो कह रहा है, मुझे लग रहा है कि सर रतन टाटा के लिए ज्यादा है। नहीं, पसंद तो मुझे मुकेश अंबानी भी है लेकिन थोड़ा सा अगर देखा जाए ना, नंबर वन टू अगर कहना, उनकी लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायर करती है मुझे जो है मुकेश। नहीं तो जो मुकेश अंबानी साहब है उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, किस तरह वो कहां से कहां पहुंचे और कैसे, जिस तरह उनको कहते हैं ना कि वो बहुत चैरिटी करते हैं, तो इस तरह मुकेश अंबानी जो है ना वो भी चैरिटी करते हैं। और वो हम जब बात कर रहे थे ना कि मुकेश अंबानी के पास ज्यादा वेल्थ क्यों है, सर रतन टाटा के पास कम क्यों है, तो वो कमेंट सेक्शन में हमें हमारी ऑडियंस कह रही थी कि ये ज्यादातर जो है ना वो चैरिटी कर देते हैं, इसलिए वो जो रिकॉर्ड है या जो अमीर वेल्थ जो मतलब अमीर तरीन लोगों की लिस्ट बनती है उसमें वो वेल्थ कम शो होती है, क्योंकि ये उधर कम और लोगों पे ज्यादा डाल देते हैं, लोगों को ज्यादा दे देते हैं। तो ये है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे जो है वो टाइकॉन्स हैं इंडिया के, तो देखते हैं अब इस वीडियो में अच्छा, क्या है। ये भी बताओ कि आप लोगों को कौन ज्यादा पसंद है। हाँ, ठीक है। अच्छा फैसला बहुत दूर है, आप करें क्योंकि आपके हाथ में। वीडियो का टाइटल क्या है? वीडियो का टाइटल है मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा। अब देखते हैं, ये जो VS है ना, VS, इसमें बहुत कुछ आ जाता है, वेल्थ की बात होगी, बिजनेसेस की बात होगी, पता नहीं क्या क्या बात होगी। उनकी कंपनीज तो बहुत ही ज्यादा है, अब देखते हैं कि किसकी कंपनीज ज्यादा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुकेश अंबानी और रतन टाटा, दोस्तों इनाम सुनते ही दिमाग में नोटों की गड्डियां और आलीशान रहन सहन तो आ ही जाता होगा, क्योंकि आखिर ये लोग देश के सबसे अमीर लोगों की फेहरिस्त में शुमार है। किसी ने टेलीकॉम जगत से लेकर पेट्रोलियम तक अपने पैर पसारे हुए हैं, तो कोई देश भर में लोहे नमक और ऑटोमोबाइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन दोनों इंसानों के बीच व्यापार की प्रतिद्वंदिता देखने को तो मिलती रहती है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा के रहन सहन के बारे में, कि आखिर कितनी आलीशान जिंदगी है इनकी और आखिर इस रेस में कौन आगे है और कौन पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों ये बात तो साफ है कि अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी रतन टाटा से आगे हैं, जबकि कंपनीज की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनियां हैं। वही सिंपल लिविंग पसंद करने वाले रतन टाटा रहते तो सिंपल से बंगले में, लेकिन इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां। रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, वहीं टाटा ग्रुप लगभग हर क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल इत्यादि। तभी तो सब्सिडीज कंपनी ज्यादा होने के चलते टाटा कंपनीज का मार्केट कैपिटल रिलायंस कंपनी से ज्यादा ही रहता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने अमीर कैसे हुए, तो बता दें कि आज एशिया के सबसे अमीर शख्स का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है और उसकी वजह है रतन टाटा की दरिया दिली। क्योंकि अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथ में ले लें तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस में 48% शेयर के मालिक हैं। जब लगभग आधे शेयर्स ही उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने से आदमी की वैल्यू बढ़ती थी। इसीलिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $88 बिलियन हो गया। वही रतन टाटा की बात करें तो वो कंपनी में 1% से भी कम शेयर के मालिक है, क्योंकि उनकी कंपनी का 66% शेयर उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया की एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड जनरेशन, आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। रतन टाटा अपने फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। अगर चैरिटी वाले शेयर भी वो अपने नाम कर ले तो वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के भी नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन होंगे। दूसरा बड़ा कारण है जैसे खर्चे वैसे चर्चे। दोनों के पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, लेकिन एक के बड़े हैं खर्चे तो दूसरे के कम होते हैं चर्चे। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा ही कुछ अंबानी के साथ भी है। दुनिया भर में उनके चर्चे हुए जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर 110 करोड़ रुपए खर्च किए। बीवी को एक नहीं बल्कि 3 बार 1,000 स्क्वायर फीट का बंगला, करोड़ों का आलिशान प्राइवेट जेट और कई लग्जरी कार गिफ्ट की है, जिनके भी खूब चर्चे हुए थे। मुकेश अंबानी के पास एक स्पेशल याट भी है जो सोलर ग्लास रूप से बनाई गई है, जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए थी। उसकी तरह ही एक लग्जरी लाइफ जीती है नीता अंबानी। और तो मुकेश अंबानी ने तो अपने नौकरों को भी लग्जरी लाइफस्टाइल की सुविधा दे रखी है। वही दूसरी तरफ रतन टाटा जी की बात करें तो वो शुरू से ही सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करते रहे। उनका घर काफी सिंपल और एलिगेंट है, वो कोई बड़ा खर्चा नहीं करते। उन्होंने हमेशा अपने पैसों को नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंपनी और देश दोनों आगे बढ़े। उनका टाटा हेल्थ केयर 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में फैल गया है। टाटा ग्रुप सोशल वर्क में भी काफी आगे है। यही कारण है कि मुकेश अंबानी एक सिंपल सा गुलाब भी खरीद ले तो सुर्खियां बन जाता है, जबकि सोशल वर्क में आगे रतन टाटा की समाज सेवा इतनी उजागर नहीं होती, क्योंकि वो खुद काम को छुप छुपा कर कर रहे हैं। दोनों ही हस्तियों ने अपने काम और मेहनत के दम पर नाम कमाया, लेकिन एक की छोटी से छोटी चीज खबर बन रही है और दूसरा दुनिया की नजरों से छिपते छुपाते बड़े से बड़े काम कर रहा है। तो ऐसे में अपने खर्चे की चर्चा करना वाकई में जरूरी है। क्या सच में इसी की बदौलत आपके चर्चे होते हैं? इसे लेकर आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा किसका शो अप ज्यादा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं दोस्तों। चलिए अब इन दो बिजनेसमैन की स्ट्रगल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं। शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप की टेक्सटाइल कंपनी से, जिसकी शुरुआत 21,000 रुपए में की गई थी, जिसका नेटवर्क आज 5,00,000 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी को 21,000 से 5,00,000 करोड़ तक ले जाने का सफर आसान नहीं था। 1839 में जमशेद जी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हो गया था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी तरह आ गई थी। फिर परिवार को संभालने के लिए उन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर 21,000 रुपए में टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। और जैसे ही वो इस काम में सफल हुए, उन्होंने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू कर दी। इस बिजनेस में उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया, जिसका फायदा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरे देश को होने वाला था। हालांकि उनका ये सपना वो खुद पूरा होते नहीं देख पाए थे, लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे थे। उन्होंने आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्थापित कर पिता का सपना पूरा किया। साथ ही उन्होंने भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया। जब उनका भी देहांत हुआ तो साल 1938 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ले ली, और उन्होंने अपनी 14 कंपनियों को चलाते हुए कंपनियों का आंकड़ा 14 से 95 कर दिया। इतना ही नहीं, जेआरडी टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसे सरकार ने जब अपने अंडर किया तो उसे एयर इंडिया का नाम दिया था। इन सब 3 पीढ़ियों के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने बखूबी अपने विरासती बिजनेस को ग्लोबली फेमस किया। आज देश के बहुत से युवा नागरिक टाटा ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं, तभी तो आज कंपनी का नेटवर्क 5,00,000 करोड़ तक जा पहुंचा है।
चलिए अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जिनकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान शानदार बंगला बना लेता है। इनका शानदार घर एंटीलिया में 6 फ्लोर की जो शानदार पार्किंग है, उतने एरिया के बिल्डिंग्स में मुंबई की आधी जनसंख्या रहती है। लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। धीरू भाई अंबानी ने इस नाम और शोहरत को कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो विदेश में नौकरी करने के लिए जब गए तो वहाँ उन्होंने अपनी कमाई जोड़ी और फिर मुंबई में वापस एक चौल में रहने आ गए। जैसे तैसे कर धीरू भाई अंबानी ने लंबे संघर्ष के बाद रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया, जो मसालों और यांस में ट्रेंड करता था। जैसे ही उनका ये काम सेट हुआ तो उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। पहले विमल अपने ग्राहकों को लुभाने में फेल हुआ, जिसके बाद उनके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और स्टॉक बेचने का काम भी खुद धीरू भाई अंबानी ने किया। ये वो वक्त था जब लोगों को इन्वेस्टमेंट की कोई जानकारी नहीं होती थी। इसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को हुआ। कुछ ही सालों में 70,000 का रेवेन्यू साल 2002 में 75,000 करोड़ का हो गया। उनके चल बसने के बाद उनके बेटों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभाला। मुकेश और अनिल को बिजनेस बांट दिया गया, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग था। जहाँ अनिल अंबानी ने कहा कि उनका नेटवर्क 0 हो गया, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्क 9,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये थी भारत की दो सबसे अमीर इंसानों की कहानी। आपको बतौर इंसान रतन टाटा और मुकेश अंबानी में कौन ज्यादा बेहतर लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमने तो ऑलरेडी बता अच्छा, दिया बतौर इंसान पूछा इन्होंने, बतौर इंसान तो फिर हमने ऑलरेडी बता दिया। उन्होंने जो है या तो पैसा आगे स्टार्टअप में लगाया और जो प्रॉफिट था उसमें से ट्रस्ट हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे उन्होंने किया, मतलब कि उन्होंने ना अपनी गाड़ियां और घर और वो चश्के और वो सारी चीजों में नहीं गए और लोगों में, इसलिए वो मैं चीज देख रहा था कि इंडियन जवान में इतने सारे रतन टाटा के लिए इतने वो इतने मोहब्बत इमोशन और फीलिंग्स कैसे हैं। नहीं देखें, अभी देखें वो उनकी जो शादी हो रही है अनंत अंबानी की, वो भी काफी कुछ कर रहे हैं, विलेजर्स के लिए खाना परोस रहे हैं और वो जो उनका रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं वो जो एलिफेंट क्या था रेस्क्यू, वो उनका पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, पूरा उनको रेस्क्यू किया है, तो वो भी बड़ा इंसान के लिए, बड़ा इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वीडियो जो हमने देखा है ना, तो इसलिए लोग उनके पीछे पीछे है और शशके हर कोई पसंद। सलमान खान उनकी शादियों में नाचते हैं, शाहरुख खान उनकी शादियों में नाचते हैं, तो वो रिहाना वहाँ पर आगे गाने, हॉलीवुड सिंगर्स उनकी शादियों में आ रहे हैं। वैसे आपको अगर चलो अगर कभी हुआ इतना ज्यादा आपको मिला तो आप अपना लाइफस्टाइल सिंपल रखोगी लाइक रतन टाटा या मुकेश अंबानी? नहीं, मुकेश अंबानी जैसा। कोई किसी की वेलफेयर नहीं करनी, कोई किसी की मदद नहीं करूंगी, करूंगी क्यों नहीं करूंगी, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसा ही जी। एक बात करूंगी जितनी उन्होंने की है मुकेश अंबानी, शादी पे खाना खिला दूंगी, एक समोसा रख दिया चलो बाय बाय, मैं थोड़ा ज्यादा कर दूंगी लेकिन लाइफस्टाइल वैसे ही, मैं दो समोसे रख दूंगी। आपको आपके जवाब सवाल का जवाब मिला है कि क्योंकि अजवेरिया मेरे से बार बार पूछ रही थी कि इतनी ज्यादा कंपनीज सर रतन टाटा की हैं तो अमीर ज्यादा जो है वो मुकेश अंबानी कैसे अमीर हो गई, हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं देना है। आपको किस तरह का लाइफस्टाइल, सिंपल या बिल्कुल लग्जरियस? मुझे सर रतन टाटा वाला सिंपल। हाँ नहीं, मतलब कि मैं उसमें ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप अपने आप को जो है ना वो खत्म कर लो, वो भी अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ी में हैं, मतलब ये रखो डिवीजन कर लो कि आप खुद पे भी लगाओ, ये भी नहीं करो कि आप पैसा कमाओ और खुद पे भी ना लगाओ। लेकिन आप देखो ना जैसे मुकेश अंबानी की बीवी है वो एक जूता पहनने के बाद जो करोड़ों का है वो पहनती नहीं है दोबारा, इतना बड़ा घर, इतना ये वाली चीजें नहीं हो, इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता। हाँ ये चीजें ज्यादा, रतन टाटा है उनका भी प्रॉपर बंगला है और प्रॉपर गाड़ियां वगैरह है, जितनी जरूरत की है 2-3 होंगी। डिफरेंस ये नजर आ रहा है कि जो रतन टाटा सर है ना वो उनको जो जरूरत है ना जिंदगी उनको चाहिए कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है, वो पूरी कर रहे हैं। ये लेकिन ये नहीं है कि सोने का इतना मैं कर लूं और दूसरी दफा यूज ना करूं, तो वो थोड़ा सा इधर मुकेश अंबानी फैमिली में पाया जा रहा है। एक फैक्टर क्या, मुकेश अंबानी की ग्रैंड फैमिली है और आपने वो सर रतन टाटा की स्टोरी नहीं देखी, उन्होंने तो शादी भी नहीं की। हाँ ये भी पॉइंट है, शादी अगर वो शादी करते बच्चों पे भी खर्चे हैं, एक होता साइकोलॉजी, अगर वो शादी करती तो उनकी बीवी भी ये सब मांगती और वो भी कहती कि बड़ा खर्चा चाहिए बच्चों, वो तो सिंगल है ना, उनको वो सिंगल सिर्फ एक बंदा, उसको कितनी चीजों की जरूरत। कोई अमीर इंसान की बीवी तो उस तरह की
काम करेगी करेगी बिल्कुल करेगी, हम होंगे हम भी करेंगे। आपको किस तरह का लाइफस्टाइल? सिंपल इज माय फ्रेंड। अच्छा वैसे मुझे मेरी बात सुनो, जैसे रतन टाटा है ना, उनके जो आबो अजदाद एंसेस्टर्स हैं वो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई, एक मिल बनाई, एक कंपनी बनाई, फिर वो 1900 ये नस्लों से चल रही है चीजें। बताते ना कि उनके दादा ने 1495 कंपनीज बनाई और उन्होंने ही एयरलाइन भी बनाई थी टाटा एयर, वो जो एयर इंडिया कह रहे हैं, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने खरीद ली थी एयर इंडिया। मुकेश अंबानी का भी पीछे से चलता आ रहा है, लेकिन उनकी यानी कि 3-4 नस्लें होंगी लेकिन उनकी बहुत ज्यादा। मुकेश अंबानी के जो फादर है ना धीरूभाई अंबानी, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और आगे जो है वो बात नहीं कर रहे थे कि अनिल अंबानी और जो मतलब एक भाई उसकी वर्थ गिर गई, सोने का चम्मच लेके वो भी चीज देखे ना कि एक भाई नहीं इस लेवल पे इतना उस लेवल पे कामयाब हुआ और दूसरा हुआ, मतलब के हां तो उसका मतलब ये है कि मुकेश अंबानी ने अपने लेवल पे भी बहुत मेहनत की है अपने लेवल पे। अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती है कि बना बनाया बिजनेस होता है वो भी नहीं संभाला जा रहा होता, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि बिजनेस बड़ा डगमग से मिला था और उसको बहुत बढ़ा लिया गया। तो दोनों की अपनी अपनी जगह पे बहुत जर्नी है, स्ट्रगल है, और जो कमाए वो अपनी जिंदगी पे लगाए, ये चॉइस है। इंसान की खुद की चॉइस है, एक इंसान अगर खुद को बहुत जरूरत के हिसाब से चलाना चाह रहा है, कम जो है खर्च करना चाह रहा, दुनिया को नहीं दिखाना चाह रहा, ये भी उसकी चॉइस है। और एक अगर बंदा करोड़ों अरबों कमा रहा है और वो चाह रहा है कि मैं गाड़ियां रखूं, मैं बंगले बनाऊं, मैं ऐसी जिंदगी जीऊं, तो वो भी उसका राइट है। हर वाला फैक्टर बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी फैमिली है, उनकी ना फैमिली है और वो फैमिली बीवी तो कहेगी मैं तो ये भी करूंगी, रतन टाटा की भी बहनें तो होंगी ही, बहनें होंगी या कोई ना कोई तो आसपास होगा। नहीं नहीं फैमिली तो होगी, जस्ट उन्होंने शादी नहीं की ना, बस शादी नहीं की, उसके अलावा जो है भाइयों का भी हमें कोई ना किसी वीडियो में भाई की भी बात नहीं की गई, मतलब जैसे ना हमें पता उस वाले से कह रहे हैं, जैसे मुकेश अंबानी के भाई की बात की गई है उनकी नहीं बात की गई, मेरी भी हो सकता है कि वो एक ही हो, बट वी नेवर नो। आप लोग हमें बताएं कि उनके कितने बहन भाई हैं, या हम और वीडियोस देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। खैर आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड। वो 10K वाला क्या होगा? 10K सब्सक्राइबर्स भाई, 10K सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी करें, होने वाले हैं वैसे। Q&A आएगा, Q&A जो है वो, अच्छा मेरा एक वो है जो कि मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि हम ना पॉडकास्ट करेंगे और मैं सारे क्वेश्चन वगैरह भी बता दूंगी और कॉन्वर्सेशन भी होती रहेगी, पॉडकास्ट काइंड ऑफ Q&A करेंगे, ये पॉडकास्ट भी होगा, पॉडकास्ट कम Q&A टाइप, तो वो बड़ा मजा आएगा। और उसके साथ साथ लाइव भी हम कभी जो है वीक में एक दो दफा लाइव आया करेंगे, लाइव कमेंट सेक्शन होंगे, लाइव पे हम बातें करेंगे, सजेशंस लेंगे, जो है वो बेहतरी की बात करेंगे। तो पॉडकास्ट और लाइव और Q&A ये सारी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो जल्दी जल्दी फैला दो भाई, फैला दो इधर उधर, फैला दो हर जगह, फैला दो जल्दी जल्दी, जो है ना कंप्लीट करा दो। देखते रहो इनसाइड रिएक्शन।